ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सब? क्या है, क्या आप लोग सब ठीक होंगे? आज मेरा जो प्लान था वो था बारबेक्यू पार्टी का, जो कि ऊपर होगी। पिछले सीज़न आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने बारबेक्यू पार्टी करी थी, लेकिन आज मौसम का कुछ और ही हाल है। और मौसम जो है वो ये बता रहा है कि कड़कती हुई बारिश हो रही है कराची में पिछले दो दिन से, और अर्बन फ्लड का खतरा है। मैं आपको व्यू बता देता हूँ, बारिश कितनी थी। नज़र आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी तेज़ बारिश और मेरा कैमरा जो है फॉगी फॉग गया। अभी एसी में से निकला है ना या, तो ये सारा सीन था। मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग भी नहीं किया था। मैंने सोचा क्यों ना कि अभी बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में ब्लॉग भी कर लिया जाए, और यहाँ पे सब पानी हो गया। ये सब पानी जो है वो इस शेयर से यहाँ से नीचे जाएगा, और नीचे से फिर जो है वो वहाँ ड्रेन हो जाएगा। बस बारिश चेक कर, अभी रुक गई है शायद, लेकिन इससे पहले बहुत तेज़ हो रही है, बहुत टाइट वाली। आज का मौसम ऐसा हो रहा है कि हर दो मिनट में जो है ना वो बारिश जो है बहुत तेज़ हो रही है, मतलब कि लगातार जो है ना बारिश इतनी तेज़ हो रही है जिसकी वजह से अभी भी मौसम ऐसा ही हो रहा है। बादल जो है वो बने में, बारिश कभी भी आ सकती है। तो हमने जो है वो डिसाइड ये किया है कि सबसे पहले पिछले साल हम लोगों ने जो है वो ऊपर किया था बारबेक्यू का सारा सेशन। इस बार हम जो है वो दो ऑप्शन हैं, ऊपर भी और एक नीचे वाला पोर्शन है वो पूरा खाली है उसके अंदर करेंगे। अगर दोनों में से, क्योंकि अगर ऊपर बारिश आ गई तो ऊपर वाले पोर्शन को हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि ऊपर जो है वो बारिश आ जाएगी तो बंद मज़ा नहीं आएगा, इससे वह नीचे वाले पोर्शन में कर देंगे। इस बार हमने जो है वो आइटम्स भी बढ़ाए हैं, मतलब कि हमारे पास जो है वो कबाब फ्राई है, देन बोटियाँ हैं, देन कढ़ाई भी है, यू नो अपग्रेड। साल बाय साल में हम लोग अपग्रेड हो रहे हैं, अपग्रेड होना लाजमी है ना। और हाँ, एक बात और, मैंने जो है आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी गायें बताऊंगा, लेकिन मैंने जो है वो पिछले वाले व्लॉग के अंदर उस वाला शूट को डाला नहीं था, सही है। तो अभी जो है वो आप जाके वो देखें जो मैंने गायें ली थी, क्योंकि मैंने जो है वो शूट कर लिया था, लेकिन वो मैं व्लॉग में डालना भूल गया था मैंने जब उस टाइम शूट नहीं किया था। लेकिन इसके बाद जब मैंने ईद वाले दिन शूट कर लिया था, तो पहले वो देखें फिर हम मिलते हैं आप लोगों से। बाहर जो है वो गाय खड़ी हुई है, और मैंने कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर जो है वो गाय दिखाऊंगा। आई एम नॉट डूइंग अ व्लॉग, मुझे जो है वो कुछ पिक्चर्स खींचनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है वो एक क्लिप बना लिया जाए जो आगे वाले वीडियो में जो है वो काम आ जाएगा मेरे लिए। तो अभी जाते हैं बाहर। मैं हमने लिए बछिया काओ, मतलब कि फीमेल काओ, बछिया अगर आप लोग नहीं समझते, फीमेल काओ। ये मैं पिछले जो है वो 16 या 18 सालों से जो है वो बछड़ा रह रहा था, पिछले साल भी बछड़ा था, लेकिन द फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो बछिया लिए, और ये फॉगी हो रहा है। बछिया लिए और या दिखाता हूँ मैं बाहर जा। थू 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 थू, अल्लाह नज़र से बचाए। तो भाई हमने ये गाय ली थी, बछिया ली थी, और इसको जो है वो मैं कभी व्लॉग में नहीं लाता अगर मैंने जो है वो पिछले व्लॉग में प्रॉमिस नहीं किया हुआ था। तो मैंने पिछले व्लॉग में प्रॉमिस किया हुआ था, इस वजह से मैंने जो है वो इसको इस व्लॉग में लाया। तो प्रॉमिस पक्का, माशाल्लाह लिख दीजिएगा, और अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करेगा आपकी भी और मेरी भी। कैमरा जो है वो एसी में से आया है, इस वजह से जो है वो कभी फॉग हो जाता है, और कभी जो है वो समझ सकते हैं ना आपको, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। नीचे एक स्लो मोशन हो जाए, 3 2 1। शेफ आदिल अपने हिस्से का काम कर रहे हैं यार, ये पंखा फिलहाल पंखे का काम है दादा। पंखा तो नीचे होगा, पंखा टेबल फैन लगा ना, यकीन कर बोल। इतना टेबल फैन थोड़ी होगा, ये भी किसी काम का नहीं है, जो जो काम के बंदे बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो एक जगह कढ़ाई बन रही है, जिसके लिए हमने जो है स्पेशल सेटअप किया हुआ है, और दूसरी जगह जो है वो कोई नहीं। यहाँ पंखा मंगवाता हूँ ना, कागज भी नहीं है यार। अभी आग लगाने में तो मास्टर है वैसे, ऐसे लगा ना तो भाई अब कैसे लगाऊं। चलो भाई बारिश हो गई और बाहर पूरा बारिश है, और अभी जो है वो बिल्कुल भी जाने जैसा नहीं है। सारा बारिश से जो है वो पूरा सेटअप हमने अंदर तब्दील कर दिया, लाइट वगैरह सब। अब नीचे जाएंगे, मैंने कहा था ना दो ऑप्शन होंगे, या फिर जो है वो नीचे जाएंगे, या फिर जो है वो बारिश नहीं हुई तो ऊपर ही जाएंगे। तो आप सेकेंड ऑप्शन नीचे जाएंगे, और नीचे जाके जो है वो पकाएंगे, जो वो काफ़ी लग रही है।
हमारा जो सेटअप था ऊपर का पूरा जो है वो नीचे कर लिया है और हमारे इस पूरी महफिल की जान जनाब इदरीस भाई इस महफिल में जलवा फरोश हो चुके हैं, तो नारे से इस्तकबाल कीजिए इदरीस भाई। इतनी लेट क्यों आया? सब पता है हमजा भाई को, सब सारी बातें पता है। सही है। और हमारे जो बीबीसी के जो वो है बड़े अब्दाल भाई, ये बीबीसी अब्दाल, अगर आपको कोई चीज़ काम कराना है तो कार्ड पर छुपाएगा अब्दाल भाई को बता देंगे। अगर आप लोगों को कोई भी जो है किसी भी चीज़ का जो प्रिंटिंग का काम करवाना है तो अब्दाल भाई को बताओ। और आदिल भाई जो है वो मतलब नहीं, आदिल भाई माहिर है आग लगाने में। एक भाई का काम है आग लगाना और बूटियाँ बनाना, ये दोनों काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और ये हमारे शेबा भाई, पहली मरतबा इस बंदे ने 400 रुपए दिए हैं। और जिस पहली मरतबा 400 रुपए है जिसमें से इसने 5-6 बोटियां चक भी ली, क्या कहना है? तो भाई खाने के लिए है तो खाएंगे ना, क्या मुंह थोड़ी देखेंगे। काम कर भाई, काम कर। ये बाकी 250 रुपए। ओके, तो एवरीथिंग इज़ डन अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया था क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि बारिश नहीं होगी रात में। मैंने वेदर फोरकास्ट देखा था कि रात में बारिश नहीं है, लेकिन अचानक जो है वो रात में बारिश आ गई, और बारिश आ गई तो पानी आ गया, तो इस वजह से नीचे से ऊपर से नीचे लाए। कोयले को जलाने में सबसे ज़्यादा जो है ना वो टाइम लगा, क्योंकि जब एक बंदा रेडी हो गया था पूरा कोयला, जिसपे जो है ना बोटियाँ सिर्फ सेकनी थी, अब वो पानी हो गया, देन फिर दोबारा कोयले रिफिल करे और फिर दोबारा जला। लेकिन प्रोग्राम जो है वो आला हो गया था, मस्त, मतलब मस्त माला प्रोग्राम हो गया था और मज़ा भी आया। साल में एक दो दफ़ा जो है वो ऐसे दोस्तों के साथ गैदरिंग के प्रोग्राम कर लेते हैं, और इससे ये भी होता है कि गेट टुगेदर भी हो जाते हैं और मज़ा भी आता है। और अभी तो फ़िलहाल हमें एडवांटेज ये था, गोश्त भी था हमारे पास, तो ये सारी चीज़ें मिला के प्रोग्राम अच्छा हो गया। तो दैट्स इट, दैट्स अ व्लॉग। आई होप के आप लोगों को पसंद आया होगा। और कराची के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, बिला ज़रूरत बाहर ना निकले, और अगर कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है तो फिर थोड़े सेफ्टी मेजर्स भी लीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, बिलबोर्ड जो एक अंकल के ऊपर से गिरा था, आई थिंक वो जो है वो आवारी टावर के पास था, वो जो है वो बहुत डेंजर था। आई होप कि वो अंकल सेफ हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं फिर एक अलग से और अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। न्यू चेन बाद में बताऊंगा इसके बारे में।